ये बशाम एरिया है कुराकरम हाईवे के ऊपर। और अच्छा ये मैं कर रहा हूँ ये रावलपिंडी स्वात मंगोरा अभी आगे आता। तो ये शारा कुराकरम के ऊपर है और यहाँ पे आबादी है। ये रात को हम यहाँ पे रमादा होटल में ठहरे थे। अभी हम यहाँ से शाम का बाज़ार है, इधर से हमने ब्रेकफास्ट लिया और शारा कुराकरम से आते हुए ये रास्ते में आता है। तो यहाँ से स्वात मंगोरा एफ्टाबाद मानसेरा के लिए रोड निकलते हैं। तो यहाँ पे ये एक फ्रूट शॉप है। काफ़ी ये पॉपुलेटेड एरिया लग रहा है। वो बंद पे हम जहाँ कहीं भी जाते हैं ये हमें अजीब तरीके से देखते हैं कि शायद दूसरी मखलूक आ गई, शायद ये नेचुरली है कि वो दूसरे सूबे से आए हैं तो उनको थोड़े अजीब लगते होंगे। हाँ कुराकरम के ऊपर ही है ना। अब हम केपीके में हैं। केपीके इधर से शुरू होता है बशाम से, जीपी ख़त्म हो जाता है यहाँ पे और यहाँ से केपीके शुरू हो जाता है। यहाँ बाज़ार में हंजा में लेडीज़ बहुत थी, बल्कि ज़्यादा लेडीज़ थी और बाज़ार दुपट्टे के। यहाँ पे अभी तक मुझे छोटी बच्ची हुई 8-10 साल की। इसके अलावा इस शाम जगह पे कोई भी हेलो शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है ये बशाम में और इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए हैं और ये जो लाइट्स हैं स्ट्रीट लाइट्स वो भी सोलर पैनल्स पे ही लगे हुए हैं।
काफ़ी रश है ट्रैफिक का ये है। ये इनका मेन बाजार है, उसके अंदर से हम गुजर रहे हैं। ये ऑन द रोड है, यहाँ से ड्राई फ्रूट्स रेस्टोरेंट्स जूतों की शॉप्स कपड़े की दुकान हैंडीक्राफ्ट्स एंड हॉजरी ड्राई फ्रूट्स की काफ़ी दुकानें और बैंकों के बाहर लाइनें उसी तरह जैसे पंजाब में होती हैं। ये दिल नूर शॉपिंग सेंटर, फैबर मेडिकल स्टोर, छोटी दुकान है वो तो ऐसी ही होती है, लेकिन जो बड़ी दुकान है वो साफ सुथरी होती है। अब हमें उसकी वजह से हम रुके हुए हैं, गुजरेगा तो फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। टूनी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए।